ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ऑफ फैटी एसिड, ठीक हो गई बात। मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा था कि कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप लोगों को उस टॉपिक की सही समझ नहीं आई, तो मैं इस वजह से आप लोगों के लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन लेकर आया हूं ताकि आप लोग उस बात को समझेंगे बात कैसे हुई। ठीक है, क्योंकि कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट हुई, फिर किधर गई, फिर किधर से गुजरी, किसने किसको क्या दिया, इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बीटा ऑक्सीडेशन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन रखा आपके सामने। अभी अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वो सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि एक आदमी था मोटा सा, एक मोटा सा आदमी था जिसका नाम था फैटी एसिड। इस मोटे आदमी का क्या नाम है? फैटी एसिड, क्योंकि ये फैटी था, ये मोटा था, इस वजह से इसका नाम है जनाबे अली फैटी एसिड। ये फैटी एसिड की एक दुम भी थी और वो 16 इंच लंबी दुम है। कितनी दुम है? 16 इंच इसकी लंबी दुम है। ठीक हो गई बात। इस मोटे आदमी का नाम, जिसका नाम है फैटी एसिड, इसका खानदान है लिपिड्स, ये लिपिड के खानदान से ताल्लुक रखता है, और इसकी एक दुम भी है और वो दुम 16 इंच लंबी है। तो टेक्निकली इसका नाम पाल्मिटिक एसिड है, लेकिन जिस तरह से मेरा नाम रिजवान है और मैं एक इंसान हूं, तो इस वजह से हम इसे फैटी एसिड कहेंगे। ये एक इंसान है, ये एक फैटी एसिड है, और अगर इसके 16 कार्बन है तो इसको हम लोग पाल्मिटिक एसिड बोलेंगे। तो ये एक 16 इंच लंबी दुम वाला एक फैटी एसिड है, ये एक मोटा आदमी है। ये मोटा आदमी ये मोटा आदमी एक दिन घूमते घूमते एक गांव के पास पहुंचा। उस गांव का नाम था सेल। ठीक है, उस गांव का क्या नाम था? एक शहर में पहुंचा, इस शहर का नाम था सेल। यानी जब हम लोग खुराक खाते हैं और वो जो फैटी एसिड हम लोग लेते हैं, ये वो वाला फैटी एसिड है, वो पहुंचता 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 एक सेल के पास पहुंचा, यानी एक शहर पहुंचा। ये शहर में बिना किसी उजर के अंदर जा सकता है, यानी फैटी एसिड सेल के अंदर जा सकता है। तो ये घुस गया इस सेल के अंदर। जिस तरह के आप लोग किसी शहर में जाते हैं तो उस शहर में जीटी रोड होता है या कोई शहर के अंदर जो जगह होती है, इस तरह इस जगह का नाम था साइटोसोल। ये साइटोसोल में घूम रहा था। तो साइटोसोल में घूमते हुए फैटी एसिड को एक बंदा मिला, उसका नाम था थायोकाइनेज। क्या नाम था उसका? थायोकाइनेज नाम का बंदा था। वो थायोकाइनेज नाम का बंदा जब इसके पास आया, उसे कहा कि तुम तो मुझे कोई अजनबी आदमी लग रहे हो, तुम हमारे शहर में क्यों घूम रहे हो? तो इसने कहा, मैं खजाने की तलाश में आया हूं, मुझे खजाना चाहिए। तो इसने इस बंदे से कहा कि मेरे पास खजाने की चाबी है, आप वो खजाने की चाबी लेकर खजाने वाली जगह पे जा सकते हैं। तो इसने कहा कि अच्छा। तो इस थायोकाइनेज नामी आदमी ने इस फैटी एसिड नामी मोटे, मेरे जैसे मोटे आदमी को खजाने की चाबी दी। और वो चाबी क्या थी? उस चाबी का नाम है कोए। क्या नाम है उसका? कोए। यानी ये वो कोएंजाइम ए था जो कि एक चाबी है उस खजाने की जगह में घुसने की। तो इस थायोकाइनेज आदमी ने फैटी एसिड को ए दिया, यानी इसको एक चाबी दी। तो अब ये जो फैटी एसिड नामी बंदा है, जिसके पास 16 कार्बन है, इसकी 16 इंच लंबी दुम है,
इसके हाथ में चाबी भी आ गई। अब इसने पूछा मैंने जाना किधर है, तो इसने कहा कि तुमने वाबडा हाउस जाना है। वाबडा हाउस, वाबडा हाउस क्या होता है? जहां पे पावर जनरेट होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल। वाबडा के दफ्तर जाओ। तो इसने कहा वाबडा का दफ्तर कहाँ है? कहते हैं वो देखो सामने, क्या था वो चीज? उस चीज का नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे जरा डस्टर दें प्लीज, पीछे कहीं पड़ा हुआ। तो उसने कहा कि आपने कहां जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया जाना है, ठीक है। तो इसने कहा माइटोकॉन्ड्रिया किधर है? तो इसने कहा वो देखो सामने, दो दीवारों वाला एक एक गांव है जिसकी दो दीवारें हैं। आपने इन दो दीवारों को पार करना है, पहली दीवार को भी, दूसरी दीवार को भी। तो थायोकाइनेज आदमी ने जो इसको को ए दिया, फैटी एसिड को जो को ए दिया, तो अब इस बंदे का नाम बन गया था फैटी एसाइल को ए। इस फैटी एसिड का अब नाम क्या पड़ गया? फैटी एसाइल को ए। यानी ये जो मोटा आदमी है, ये को ए वाली चाबी हाथ में पकड़कर अब इसका नाम फैटी एसिड नहीं है, फैटी एसाइल को ए है। रिएक्शंस में आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है। जब ये चाबी लेकर, ये पूरे का पूरा अगर ये सेल है और इस सेल के अंदर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये इस माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार, चार दीवारी के पास जब पहुंचा, तो इसकी दो दीवारें थी, दो दीवारें। माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, पता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर्स जो थी, इसने कहा इस चाबी से तो आप पहली दीवार फलांग लोगे। यानी ये वो चाबी है जो कि आपको पहले गेट से एंट्री दे देगी बगैर किसी खौफो खतर के। तो ये फैटी एसाइल को ए जाया और जाके इसने चाबी लगाई और पहली दीवार के अंदर घुस गया। सो नाउ फैटी एसिड कैन नॉट पेनिट्रेट विदाउट दिस को ए। सो व्हेन थायोकाइनेज रिएक्ट विद, इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज, when fatty acid reacts with CoA, it becomes fatty acyl CoA, और ये fatty acyl CoA is permeable through outer membrane of the mitochondria. तो जब ये mitochondria की outer और inner membrane के दरमियान में पहुंच गया, तो इसने कहा कि अब क्या करूं, अब दूसरी दीवार को कैसे पार करना है। तो इसने दूसरी दीवार को पार करने की खातिर ढूंढना शुरू किया कि आप कहां जाऊं। तो जब ढूंढ रहा था, तो इसे यहां पर एक बिल्ली बैठी हुई नजर आई जो कि आउटर मेम्ब्रेन के बाहर थी, इधर देखो इधर थी। एक क्या थी? बिल्ली, बिल्ली थी। इस बिल्ली का क्या नाम है? कैट। क्या नाम है इसका? CAT, कैट, कैट वन, पहले नंबर की बिल्ली। दरवाजे के बाहर, दूसरी दीवार के बाहर एक बिल्ली घूम रही थी। इस बिल्ली ने इसे कहा कि मैं तुम्हें अंदर जाने का रास्ता बता सकती हूं। तो इसने कहा कैसे? इसने कहा आप अपनी चाबी मुझे दे दो, ये को ए मुझे दे दो, मैं आपको एक दूंगी गाड़ी। क्या चीज? गाड़ी, ये गाड़ी। इस गाड़ी का नाम है कार्निटिन। इसने कहा चाबी मुझे दे दो और मुझसे गाड़ी ले लो, गाड़ी में बैठ के अंदर चले जाओ, ठीक है। तो इसने बिल्ली को दी अपनी चाबी, बिल्ली को अपनी चाबी दी और ये गाड़ी में बैठ के मोटा आदमी फैटी एसिड अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। जब ये इस दीवार के पास पहुंचा, तो यहां पर एक गेट था जिसका नाम था ट्रांसलोकेज। क्या नाम था इसका? ट्रांसलोकेज नाम का एक गेट है। ये इस गाड़ी के थ्रू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार करके मैट्रिक्स में दाखिल हो गया, वाबडा हाउस में पहुंच गया।
तो जब ये गाड़ी में बैठ के अंदर आया तो अंदर की दीवार के साथ एक और बिल्ली बैठी हुई थी। उसने कहा कि इस बिल्ली का क्या नाम है? इस बिल्ली का नाम है कैट टू। कैट टू, इसने कहा कि गाड़ी मुझे दो। इसने इसे गाड़ी वापस दी और इसे उसने वही वाली चाबी दे दी जो बाहर वाली बिल्ली ने इससे ली हुई थी, यानी को ए वाली चाबी इस फैटी एसिड को दोबारा मिल गई। तो अंदर जब ये पहुंचा तो ये वही फैटी एसाइल को ए ही था। समझ आई ये बात की? यानी फैटी एसाइल को ए को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कार पार करने के लिए कुछ कैरियर्स की जरूरत थी जो इसने इस तरीके से पार किए, और ये जो कार ने इसने इसको जब कार वापस की तो इसने यही कार अंदर वाली बिल्ली ने कैट टू ने कैट वन को वापस कर दी कि आइंदा आने वाले बंदे को भी इसी तरीके से एंट्री हो। तो ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए पहले फैटी एसिड यानी जो मोटा आदमी था वो फैटी एसाइल को ए में तब्दील हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेस। ये भी मैं रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है। जब ये फैटी एसाइल को ए बन गया तो ये जाता हुआ आउटर मेम्ब्रेन को पार किया इसने, लेकिन इनर को तो पार नहीं कर सकता था। जब ये आउटर मेम्ब्रेन को पार करके गया तो इनर मेम्ब्रेन के पास एक एंजाइम है जिसको CAT कैट बोलते हैं। कैट जो है, कैट ने इसका को ए लेकर इसको कार्निटिन दे दिया, कार दी। ये कार में बैठ के ट्रांसलोकेज के थ्रू अंदर दाखिल हुआ, फिर इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन यहां पर एक और एंजाइम था जिसका नाम था कैट टू। ये कैट टू ने इसकी कार वापस ली और इसको को ए दे दिया ताकि ये अंदर जाके नाच सके। इसको अब खजाना मिल चुका है। ये जो 16 इंच लंबी दुम वाला जो आदमी था, अब ये यहां पर खड़ा होके अपने आप को यूटिलाइज कर सकता है, अपनी एनर्जीज निकाल सकता है। तो इसके एक एक दुम को काटते जाएंगे और एनर्जी निकालते जाएंगे। सो यहां पे जो बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि एक फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचना जरूरी है। साइटोसोल में उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। इसके सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद हैं, लेकिन फैटी एसिड अपनी इस हालत में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इसको क्रॉस करने के लिए कैट वन और कैट टू और ट्रांसलोकेज जरूर आएंगे, और एसाइल को ए ये इधर देगा, पहले को इधर देगा, कार्निटिन पे बैठेगा, कार्निटिन के साथ चिपक के अंदर जाएगा, फिर कार्निटिन वापस देगा और अपना को ए वापस लेकर यहां पर फैटी एसाइल को ए नाम का बंदा मैट्रिक्स में खड़ा होगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन यहां पर चलेगी, इसके स्टेप्स अब यहां पर चलेंगे। समझ आई बात की? अब आप लोगों ने इस कहानी को सामने रखते हुए रिएक्शंस देखने हैं। अब मैं आप लोगों को रिएक्शंस बताता हूं। कहानी की समझ आई है? पूरी कहानी की जो मैंने आप लोगों को सुनाई है? यस सर। इस कहानी में कोई सवाल है आप लोगों का? नो सर। ये देखो, ये एक बुक है जिसका नाम है गैरेट एंड ग्रेशाम। ये जो मैंने कहानी आप लोगों को सुनाई ना, ये इस डायग्राम पे बेस करती है। ये डायग्राम को समझने के लिए मैंने आप लोगों को इतनी बड़ी कहानी सुनाई है, ठीक है, ताकि आप लोग कभी भी ये कहानी ना भूल सकें। आप लोगों को हमेशा कहानी याद रहे और आप कहानी को सोचते हुए अपना पूरे का पूरा प्रोसेस समझ लें। समझ आई बात की? अब मैं चलता हूं अगले स्टेप पे। अब मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस बताऊंगा कि ये केमिकल रिएक्शंस असल में कैसे होते हैं। मैंने आप लोगों को कल थायोकाइनेज वाला रिएक्शन बताया था कि किस तरह एक फैटी एसिड मोटा आदमी जिसका के 16 कार्बन है वो कैसे फैटी एसाइल को ए बनता है। ये रिएक्शन मैंने कल बताया था, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा लिख देता हूं।
उधर से हार्पर वाली बुक लेकर आओ जरा। ये एक फैटी एसिड है और पाल्मिटिक एसिड आप अगर जानते हो तो पाल्मिटिक एसिड असल में 16:0, इसमें कोई अनसेचुरेशन नहीं होती और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, ये COOH कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 16 तक जाएगा। ये 16 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसमें पहले कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका ये बीटा ऑक्सीडेशन नाम क्यों है, तो ये है इसका अल्फा कार्बन, ये इसका बीटा कार्बन, ये इसका गैमा कार्बन और इस तरह से आगे जाएंगे। अब पाल्मिटिक एसिड, ये जो फैटी एसिड है, इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी ये अल्फा और बीटा के दरमियान में होगी, यहां से टूटेगा, यानी 16 कार्बन की जो कटिंग होगी वो ऐसे होगी, अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान से बांड टूटेगा। जब अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान से बांड टूटेगा तो इसको हम लोग कहेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। समझ आई है बात की? यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन आता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बाद जो दूसरा कार्बन आता है उसको हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फैटी एसिड मैंने कल आप लोगों को बताया कि जब ये पाल्मिटिक एसिड जो फैटी एसिड है ये कन्वर्ट होता है फैटी एसाइल ओ ए में, तो ये ऐसे ही नहीं कन्वर्ट हो जाता, इसको कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम आता है उसको हम लोग एसाइल को ए सेंथेटेज बोलते हैं या थायोकाइनेज बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया वहां पे कि इसको एक चाबी मिलेगी, तो ये वो वाली चाबी है को ए, यानी फैटी एसिड से को ए बनना। तो इसके अंदर थायोकाइनेज एक एंजाइम है वो यूज होगा, या एसाइल को ए सेंथेटेज नाम का एंजाइम यूज होगा, और इस दौरान में एक एटीपी से एएमपी प्लस पीपीआई प्रोड्यूस होगा और इट इज मैग्नीशियम डिपेंडेंट रिएक्शन, ये मैग्नीशियम डिपेंडेंट है। इस दौरान में जो रिएक्शन के अंदर चीज दाखिल होती है वो क्या है, को ए, तो ये भी आप लोग बाहर से ही लिखेंगे को ए एस एच, ये मैं बताता हूं क्या है, को एंजाइम ए से बोलते हैं। तो फैटी एसिड के साथ क्या चीज लगी, फैटी एसाइल को ए। तो ये था मोटा आदमी और इस मोटे आदमी को इस थायोकाइनेज ने ये वाली चाबी दे दी, देखो ये चाबी आ गई, अब ये चाबी लेके अंदर जाएगा। समझ आई? तो ये इसका है स्टेप जीरो प्रिपरेटरी स्टेप। ये स्टेप लेकर जब इन सारे कार्निटिन वार्निटिन को उठा के अंदर दाखिल होता है, तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो अंदर आ गया मैट्रिक्स के अंदर, तो मैट्रिक्स के अंदर आने के बाद जब वो मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है, सबको पार कर लेता है, कार्निटिन को भी कोए को भी, सारी हर्डल्स को पार करके जब वो अंदर आ गया, अब उसके साथ कुछ 5 या 6 स्टेप्स होंगे, वो चार से पांच स्टेप, ये 4 से 5 स्टेप आपने याद रखने हैं, बहुत आसान है। तो मैं अब आप लोगों को फर्स्ट 1 by 1 ये एक एक स्टेप बताता हूं, इस स्टेप को समझे। स्टेप नंबर 1, नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये देखें स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, ये देखो, अच्छा CH
सॉरी मैं इसको इस तरह से कर देता हूं ताकि आप लोगों को रिएक्शन की सही समझ आए। अच्छा ये देखो, ये हो गया एच 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 सी एच टू, सी एच टू ही है ना, ये सारे हाइड्रोजन आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना। पहले रिएक्शन में क्या होता है, जब ये फैटी एसाइल को ए, ये जो को ए भी है इसके आगे, मैं आगे को ए भी लगा देता हूं, ये को ए लेकर आया हुआ था ना, तो ये इस फॉर्म में होता है। ये फैटी एसाइल को ए, समझ आई? रिएक्शन नंबर वन, रिएक्शन नंबर वन में होगा डीहाइड्रोजिनेशन, एंजाइम आएगा डीहाइड्रोजिनेज, क्यों कौन सा आएगा डीहाइड्रोजिनेज। तो डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है, याद है क्रेब्स साइकिल को याद करें ना, डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है, किसी को आता है कि नहीं? डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना। हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए कौन सी चीज आती होती है, सबसे पहले आएगा एफ ए डी और ये बन जाएगा एफ ए डी एच टू। कहां से लेगा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लेगा एक यहां से और एक यहां से, ठीक है, तो ये बन जाएगा फैटी एसाइल को ए। अब ये आगे जाके प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो मैं एक हाइड्रोजन यहां से उठाऊंगा, एक यहां से उठाऊंगा, एक और दो एफएडी एफएडीएच2, दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए। जब दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो क्या बनेगा नीचे, ये देखो, अच्छा डबल बॉन्ड और बस आगे मैं आर लगा देता हूं। अच्छा तो ये एक हाइड्रोजन इधर रहने दो, सॉरी ये उल्टी साइड में मैं लगा देता हूं ना, ये एक हाइड्रोजन इधर रह गया और एक हाइड्रोजन इधर रह गया। तो सिस और ट्रांस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब इन बॉन्ड के अपोजिट साइड के ऊपर कोई हो तो इसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस यानी डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे हो तो हम इसे ट्रांस बोलते हैं। तो इस प्रोडक्ट का नाम है ट्रांस डेल टू इनाइल को ए, ट्रांस डेल टू इनाइल को ए इसका नाम है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एफ ए डी आया, एफ ए डी एच टू बनाया और उसका जो प्रोडक्ट बना उसका नाम था ट्रांस डेल टू इनाइल को ए। अब ये आगे जाएगा, आगे जाएंगे हम इसके अंदर पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, वाटर। वाटर क्या होता है, एच और ओ एच, तो एक साइड पे एच डाल देंगे दूसरे साइड पे ओ एच डाल देंगे। अच्छा तो यहां पर इधर एच डाल देंगे इधर ओ एच डाल देंगे, बस सिर्फ पानी पोट करो इसके अंदर और एंजाइम का क्या नाम आएगा, हाइड्रेटेज, एंजाइम है हाइड्रेटेज, ये एंजाइम है। कोई एटीपी नहीं मिलेगा, कोई एनएडी नहीं मिलेगा, कोई एफएडी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहां पर, अब ये देखें यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर एक OH, हाइड्रोजन 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 और OH, ये क्या बन गया, इस चीज का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। इधर तक समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, पहले से हाइड्रोजन निकाला दूसरे में वाटर डाला, तो ये जो वाटर था ये इस पॉइंट पे आ गया, देखो एक हाइड्रोजन इधर आ गया और हाइड्रोक्सिल इधर आ गया, इसका नाम ये हो गया। इसके बाद बस खत्म हो रहा है, अच्छा बस थोड़ा सा रहता है, इसके बाद हम लोग इसी प्रोडक्ट को ऊपर लेकर जाएंगे,
इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूं। अच्छा ये देखो R C C C डबल O ठीक है H H H O H। अब देखो अच्छा गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। अब यहां पर क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। तो पहले डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया था तो उसने क्या किया था, हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन की रिमूवल, हाइड्रोजन को रिमूव किया था। तो यहां पर भी अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा तो यहां पर आएगा NAD और ये बनेगा NADH प्लस H प्लस। तो ये हमारे पास आएगा और ये आगे कहां से क्या क्या लेगा मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। यहां से ये वाला हाइड्रोजन और यहां से ये वाला हाइड्रोजन इसने ले लिया, ये देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये इसने लेकर NADH प्लस H प्लस बना दिया। NAD आया डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में और जो चीज बनी वो चीज ये है। बस बात खत्म। अब इसके बाद एक एंजाइम आएगा जो कि आके इस मॉलिक्यूल को काटेगा, कटिंग वाला एंजाइम, इसको बोलते हैं थायोलेज। इस एंजाइम का नाम क्या है, थायोलेज। तो थायोलेज क्या करेगा, देखो ये कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है ना, तो बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ये थायोलेज आके इसको यहां से काटेगा। जब इसको ये आगे यहां से काटेगा तो इस साइड वाली चीज का क्या नाम है, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एस सी ओ ए। इस थायोलेज के आने के साथ यहां पर एक और चीज भी आती है, को ए एस एच, वो ये दूसरे वाला को ए एस एच इधर आके अटैच हो जाएगा। तो यानी इसकी जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, आर सी डबल ओ एस सी ओ ए। तो ये एक फैटी एसाइल को ए बन गया और ये बन गया एसिटाइल को ए, ये एसिटाइल को ए आगे जाके ये एसिटाइल को ए आगे जाके क्रेब्स साइकिल में घुस जाएगा। कहां घुसेगा, क्रेब्स साइकिल में, और वहां पर जाकर अपनी एनर्जी बनाएगा जितना भी बनता है। और ये फैटी एसाइल को ए दोबारा से बीटा ऑक्सीडेशन में आके ये दोबारा से अपना रिएक्शन करेगा, यानी यही वाला साइकिल 8 मर्तबा रिपीट होगा, क्योंकि इसके पास 16 कार्बन थे, 16 के दो दो कार्बन निकालते जाओ तो 8 मर्तबा हो जाएगा ना। तो एक पाल्मिटिक एसिड 8 मर्तबा इस रिएक्शन में दोबारा घुसेगा। मैं आपको अभी इसका ये चीज बताता हूं, एक सेकेंड। हेलो हाँ दफ्तर जाओ, कौन कहने सेंटर ले आए। तो आप लोगों ने आज बीटा ऑक्सीडेशन में, मैं इसकी आपको एक फुल डायग्राम पिक्चर्स भी दे दूंगा, आप लोगों ने जो बीटा ऑक्सीडेशन में आज चीज देखी कि एक फैटी एसिड किस तरीके से किन 4 से 5 स्टेप्स को गुजार के आखिर में आके अपने आप के दो प्रोडक्ट बनाता है, एसिटाइल को ए और फैटी एसाइल को ए।
ये जो फैटी एसाइल को ए है ये 16-2 है, ये 14 कार्बन है, ये दोबारा 14 कार्बन जाके एक मर्तबा घुसेगा, जब दोबारा आएगा तो इधर 12 वाला हो जाएगा, फिर 12 वाला जाएगा, फिर यहां पर आके 10 बन जाएगा, फिर 10 में जाएगा, फिर ये 8 में चला जाएगा, फिर 8 वाला आएगा, फिर 6 में पहुंच जाएगा, यानी हर बार इसमें से दो दो कार्बन रिमूव होते जाएंगे और एनर्जी मिलती जाएगी। तो फैटी एसिड से, इस वजह से 1 ग्राम ऑफ फैट्स 9 किलो कैलोरीज देता है और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज देता है, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज है वो एक मर्तबा जाके क्रिप्स साइकिल में घुस जाता है। लेकिन आप देखें फैटी एसिड के हर स्टेप में, बीटा ऑक्सीडेशन के हर स्टेप में क्रिप्स साइकिल आ रहा है और वो फैटी एसिड दोबारा से रिपीट भी हो रहा है। तो इस रिपीटेशन और इस क्रिप्स साइकिल में घुसने के इस अमल को बीटा ऑक्सीडेशन बोला जाता है, जो कि आप लोगों ने अभी देखा। मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा और डिटेल्ड पीपीटी भी दे दूंगा, ताकि जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ आए। आप लोगों ने जस्ट मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखना है और लेक्चर को देखना है, इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोर्ड थोड़ा सा धुंधला है, आप लोगों को सही नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को पीपीटी प्रोवाइड करूंगा, पीपीटी में ये सारे के सारे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है? सो डोंट वरी। व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा सर, कैट वन रियल नेम क्या है? कैट वन का रियल नेम है कार्निटिन एसाइल ट्रांसपरेज। कैट, जो मैंने कैट कहा ना, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफर करने वाला एंजाइम, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2। तो एसाइल को हम लोग बास टाइम पे एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं उस कंपाउंड के नाम से, जैसे कि अगर पाल्मिटिक एसिड है तो हम लोग कहते हैं कार्निटिन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज, कार्निटिन वो वाला जो पाल्मिटिक एसिड को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है? तो एसाइल एक जर्नल वर्ड है, एसाइल, एसाइल में कोई गिनती नहीं है, लेकिन अगर पाल्मिटिक एसिड है तो फिर सीपीटी बन जाएगा, कार्निटिन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज, यानी जनरली हम इसको कैट बोलते हैं, ठीक हो गई बात? रिमूवल ऑफ एच, ठीक है? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? टॉपिक मुश्किल है, आप लोगों ने बैठ के इसे पढ़ना है सही तरीके से, इसे सही पढ़ लें और मुझसे क्वेश्चन करें, पर्सनल करें, मैं आप लोगों को इसकी पीपीटी और इसके डिटेल्ड नोट्स भिजवा दूंगा आज, ठीक है?